सर, सर आप यहाँ क्यों आए? अरे मिस कॉल कर देते, मैं आ जाता। एयरपोर्ट जा रहा था, सोचा अपनी बहन से मिलता चलो। हाय भैया। अरे कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, गूगल सर्च भी मारा। आई लव यू। तुमने भाई के सामने कहने कहा था ना, सिर्फ तुम्हारे भाई के सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने कहूंगा आई लव यू। इसका नाम पूजा गोटे नहीं, चंद्रकला है। हैं? चंद्रकला? हाँ। वन मिनट। अरे श्यामलाल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पूजा गोटे को आई लव यू बोलने के बजाय किसी चंद्रकला को आई लव यू बोल दिया। बापू। बोलिए। क्या रे, बिना कंफर्म किए तो किसी भी लड़की को आई लव यू कैसे बोल सकता है? शक्ल से जितना छू दिखता उतना है नहीं। फेसबुक प्रेम भैया, लोग अपने नाम के साथ किसी और का ब्यूटीफुल फेस चिपका देते हैं, इसी से मैं कंफ्यूज हो गया ना भैया, सच्ची मुच्ची भैया। मुझे माफ करने के लिए थैंक्स भैया, अपनी बहन का ख्याल रखना, इन्हें तो कोई भी आई लव यू बोल देगा। अपना ख्याल रखना बहना, मैं किसी काम से दिल्ली जा रहा हूँ, 4 दिनों बाद लौट आऊंगा, ठीक है? ओके बाय। थैंक गॉड, भला टली। हे, मेरी एक्टिंग कैसी लगी? शेर की तरह एंट्री मारी, केचुए की तरह सिकुड़ गए, बिल्कुल दम नहीं था। शिकार जब तुम्हारी तरह हॉट हो तो भूखे शेर को झुकना पड़ता है। मेरी बातें तुम्हारी तरह थोड़ी लंबी है, आओ बैठकर डिटेल में समझाता हूँ। कितना भी ट्राई कर लो, मैं इम्प्रेस नहीं होंगी। तुम एक बात अच्छी तरह जानती हो, तुम्हारा दिल मेरे नाम से धड़कने लगा है। चंदू नाम है मेरा, चंपू पे फिदा नहीं होंगी। गलत फहमी है तुम्हारी, सुबह से लेकर शाम तक मेरे साथ एक पूरा दिन गुजारो, लिख कर देता हूँ तो मुझ पर फिदा हो जाओगी, अगर नहीं हुई तो मैं अपनी चिकनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ओके? क्यों, क्या सोच रही हो, जवानी में पैर लड़खड़ाने से डर लग रहा है? मैं तैयार हूँ। ऑल द बेस्ट टू मी। तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया है? उसे लगता है कि मैं उस पर फिदा हो जाऊंगी, देखना पूरा दिन मेरे साथ गुजारने के बाद वो शाम को हॉस्पिटल में दिखाई देगा। पर करोगी क्या? जरा वहाँ पर देखो, चेन्नई एक्सप्रेस देखिए। हाँ। शाहरुख खान दीपिका को उठाकर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ता है। तो क्या तुम उसे उठाकर मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने वाली हो? वेंकी मुझे उठाकर 1000 सीढ़ियाँ चढ़ेगा। पर उससे क्या होगा? एकदम बुद्धू हो ना, तो ये कोई फिल्म है और ना ही वो कोई शाहरुख खान, मंदिर पहुंचने से पहले ही वो भगवान के पास पहुंच जाएगा। ए, वो आ गया, देखो वो आ गया। हाय। हाय। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आज पहला सोमवार है और सोमवार को मैं मंदिर आती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों साथ में ऊपर चलें। ओह, मेरा प्यार पाने के लिए भगवान से आशीर्वाद लेना चाहती हो? वेरी फनी, चलो चुपचाप। हाँ हाँ चलो। क्या हुआ? मेरा पैर फिसल गया, अब मैं चल नहीं पाऊंगी। वापस चलें? कैसी बातें कर रहे हो, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब वापस कैसे जाऊं? तुम क्या सोच रहे हो, कहीं ये तो नहीं कि मुझे उठाना पड़ेगा? करेक्ट, अगर तुम्हें ऑब्जेक्शन ना हो तो उठा कर ले चलो। लेकिन मुझे रास्ते में मत छोड़ना, वरना मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। तुम्हारा प्यार मेरे लिए पूजा है और पूजा बीच में नहीं छोड़ते। आओ। कम, तुम्हारा वेट कितना है चंदू? 53। ऊपर पहुंचते पहुंचते मैं 53 किलो का हो जाऊंगा। मैं ज्यादा भारी तो नहीं हूं ना? बहुत थक गया। अरे चलो चलो, बस पहुंच ही गए। Oh, oh, oh.
आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उसे अपनी बाहों में उठा कर लाए। आप दोनों की जोड़ी राम सीता जैसी है, सदा सुखी रहो बच्चों। देखा तुमने, तुम्हारी जज्बातों की कदर करके उसने तुम्हारी झूठी मन्नत भी पूरी कर दी। इसका मतलब वो तुम्हें चाहता है चंदू। चंदू जल्दी आओ, देर हो रही है। चंदू हमारी शर्त पूरी हो चुकी है। मैं जान गया हूं तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। दीवार कूद कर अंदर आया क्या? चल चल कर देखते हैं। वो रहा, लगता है फूल चुराने आया है। तू क्या रे, लोग दिन के उजाले में भी इस घर की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करते और तू यहाँ आधी रात को दीवार कूद कर चोरी करने आया? मजबूरी है भैया, रैगिंग का शिकार हूँ। रैगिंग? हाँ भैया, मुझे बैटमैन की तरह दीवार फांद कर अंदर भेजा गया। कहा कि गार्डन से लाल गुलाब तोड़ना, स्पाइडरमैन की तरह दीवार पर चढ़कर चंदू को देना। कितना टॉर्चर हो रहा है ना मुझ गरीब पर। चंदू ने करने के लिए कहा? हाँ भैया, चंदू ने जो कहा वही फाइनल। चलो ऊपर चढ़। दीवार बहुत लंबी है, कैसे चढ़ूं? टेंशन नहीं हमें ना। चंदू सच में रैगिंग में एक्सपर्ट है। दीवार पर चढ़ने की सजा दी है, मेरे पंटर उसे ऊपर चढ़ा रहे। इसके ऊपर पहुँचते ही मैं डिनर के लिए घर पे आ जाऊंगा। डबल ऑमलेट बना कर रखना। भैया यहाँ से चढ़ना मुश्किल हो रहा है, सीढ़ियों से जाओ। इस वक्त तो स्पाइडरमैन है, ऐसे ही जाना पड़ेगा। चंदू का ऑर्डर है। नहीं नहीं नहीं, मीठे में कुछ मत बनाना। कान के नीचे दू क्या? मुझे मारोगे? नहीं नहीं, तुमसे नहीं कह रहा हूं डार्लिंग। चलो पंटर लोग महफिल जमाते हैं। थैंक्स भैया। हाय वेलकम। हाय हाय। अगर वो लोग देख लेते तो मार डालते। तुम्हारे बॉडीगार्ड्स? आओ मैं तुम्हें कुछ नमूना दिखाता हूँ। कालू भैया, भैया। अरे यार ये फिर से डिस्टर्ब कर रहा है, क्या हुआ? गुलाब नीचे रह गया। नीचे रह गया? अरे ढूंढो यार, जल्दी से ढूंढो। वहाँ देखो, फेंको फेंको। थैंक्स भैया। एकदम जॉन्टी रोड्स। भाई फोन पता है, बीवी का है, बजने दे। तुम्हारे बॉडीगार्ड्स मुझे गार्ड कर रहे हैं। पर कैसे? तुम मेरी रैगिंग कर रही हो। मैंने हाय भेजा था, तुम भी मैसेज में हाय भेज देते। सिर्फ दोस्ती होती तो मैसेज करता, सच्चा प्यार है इसलिए रिस्क लिया। भैया को पता चला तो जान ले लेंगे। अगर दोस्त के लिए अपनी जान पर खेल सकता हूँ तो सच्चे प्यार के लिए जान नहीं दे सकता। तुम्हें मौत का खौफ नहीं है? जिसे प्यार हो जाए वो मौत के खौफ से बेखौफ हो जाता है। क्या तुम्हें प्यार से डर लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा, सच्चा प्यार करने वाले कभी नहीं डरते। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वेंकी, प्यार से मुझे लोग वेंकी बुलाते हैं जान। हे, ये तो सीरियल हीरो बबलू है ना? यस, उबलता बबलू नाम है मेरा। हाँ पता है, तूने भानुमति के साथ जबरदस्ती क्यों की? भानुमति? कौन भानुमति? ओ आप मेरे मैं तोता तू मैं ना सीरियल की बात कर रही है। उसके साथ जबरदस्ती करने की तो मुझे सुपारी मिली थी। उसके साथ ऐसा क्यों किया? पैसे के लिए तो किसी के साथ भी कर सकता हूँ। भाई वो बैगन की औलाद बार बार मेरा फोन काट रहा है। मैंने लोन दे रखा है इसलिए फोन चालू रखा है, वरना कभी का नंबर चेंज कर देगा। लगता है इस कॉलर का क्लाइमैक्स चेंज करना पड़ेगा। सर गुड मॉर्निंग। सर क्या हुआ बे? मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए सर। अरे तू तो मेरी गैंग का मेंबर बन गया है,
और इन कपड़ों में शरीफ भी लग रहा है। बोल क्या चाहिए? कोई वाहियात आदमी मुझे रोज फोन पर तंग करता है, आप उसकी मरम्मत कर दो ना सर। उसको यहाँ बुला, वार्निंग देते हैं। कई बार दी, उसके ऊपर जूं तक नहीं रेंगती। बड़ा बदतमीज और ढीठ आदमी है आपकी तरह। उसका करना क्या है? क्या बताऊं? उसकी हालत पतली कर दो। इतना बड़ा ब्रश लेके उसके मुंह के अंदर घुसेड़ 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 के ऊपर से फिनाइल डाल के फ्लश कर दो। उसका पूरा सिस्टम क्लीन होना चाहिए। सुबह दोपहर शाम टॉयलेट के चक्कर काट काट के ऊपर चला गया। फोन लगा, उधर से बात कर। भाई उस खजुए बैगन सिप्पी का फोन आ रहा है। मुझे दे, मैं बात करता हूँ साले से। हेलो, ए सिप्पी, करता रहा है मेरे नाम का जाप, पुण्य लगेगा। हे, इस वक्त आए तू बे? मैंने यही सवाल पूछने के लिए तुझे फोन किया है। तू कहाँ है बे? वैसे तो आज तुझे धोबी घाट लेके धोने का मूड है, लेकिन तेरे जैसे फालतू के लिए मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। तू एक बार सामने आ जा, तुझे काट के खा जाऊंगा मैं। ए बाप जी, चक्कू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चक्कू पर, कटना तो खरबूजे को ही होता है। अरे तू सामने आ, तेरा पत्ता काट दूंगा मैं। पत्ते गिरे तो कुत्ते भी खेलते है रे। क्या रे, हो गया ना कंफ्यूज? मैं रोज अपनी गली के कुत्तों के साथ गेम खेलता हूँ, बॉल फेंकने का। कहाँ फेंकू बॉल? इंदिरा पार्क। इंदिरा पार्क? ओए, मैं भी अपने कुत्तों को यहीं घुमाने लाता हूँ, ज्वाइन करेगा? ए, मैं अभी इंदिरा पार्क में हूँ, तू किधर है? मैं भी उसी पार्क में हूँ, तू कहाँ है? लुका छुपी खेल रहा है क्या? ए, पुतले के पीछे खड़ा हूँ मैं। मैं उसी पुतले के सामने खड़ा हूँ रे। अरे तो सामने आ। ए, बाहुबली को फोन पर इन्विटेशन देकर अपनी मौत को ललकार रहा है। तेरी बदतमीजियों का गिन गिन के बदला लूंगा। असली मर्द है तो बंद करिए चेस। रुक, मैं अभी आता हूं। फेस टू फेस। भागना नहीं उधर से। हिम्मत है? सिप्पी। बाबजी। तेरी तो कमीने साले कधे की औलाद, बिना ढक्कन के बदबूदार कटर। काले कौवे की टूटी हुई चोंच तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। उंगली की ना तो उंगली तोड़ के नाक में घुसड़ दूंगा। तेरे जैसे सड़े हुए बैंगन का भरता खुली वाला कुत्ता भी नहीं खाएगा। छिपकली की टूटी हुई पूंछ, बाथरूम के लीकेज फ्लश। ये साला टैक्सी वाला इस सिप्पी निकला। इस सिप्पी ने तो मेरी टीआरपी ही गिरा दी। गिरा दो इसको भी। बता वो कौन था और इस वक्त कहाँ मिलेगा वो? सर, वो कहाँ मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन उसके पप्पा का पता मुझे पता है। तो ले चल हमको वहाँ। ये है सत्या, रियल एस्टेट की। हाय, वी हैव डन सो मेनी प्रोजेक्ट्स इन मुंबई एंड दिल्ली, सो वी वांट टू एस्टैब्लिश अ न्यू वेंचर्स इन हैदराबाद। वाह, बहुत बढ़िया। फॉर दैट वी नीड अ सपोर्ट सर। भाई मैटर बहुत सीरियस होते जा रहा है, ये कई दिनों से चंदू के साथ घूम रहा है। ए, हाँ भैया, इसका नाम राशन कार्ड से कट जाना चाहिए, वरना तुम सबका नाम कट जाएगा। भैया इसका राशन कार्ड क्या, आधार कार्ड भी कैंसिल करा था। वेंकी, मैं तुम्हारे साथ बेफिक्री से घूम रही हूँ, भैया ने देख लिया तो? अरे जब देखेंगे तब सोचेंगे। अरे जल्दी चलो ना। भैया के आदमी हमारा पीछा कर रहे हैं, जल्दी चलो वेंकी, जल्दी करो। चंदू, अरे बहुत चिपक रहे दोनों, रवि को का मजबूत जोड़े। देखो वो हमारा ही पीछा कर रहे हैं, लगता है उन्होंने हमें देख लिया है, जल्दी चलो। डार्लिंग चेस सीन में हूँ, बाद में फोन कर रहा हूँ। उसने राइट का इंडिकेटर दिया है, तू राइट पे घुमा रहे। भगा भगा भगा। अरे अरे तो चीटेंगे, राइट का देखे लेफ्ट में भगा, आरटीओ में कंप्लेंट करूंगा। अबे टकले देख के नहीं चला सकता क्या? लेकिन चुप, छोड़ूंगा नहीं मैं उस हीरो को, अभी दिखता हूँ। हेलो भैया, मुझे डर लग रहा है, भैया को हमारे बारे में पता चल गया। एक ना एक दिन उन्हें पता चलना ही था, इतनी टेंशन क्यों लेती हो? तुम बैठो, मैं कॉफी का ऑर्डर देकर आता हूँ। ओके।
जाओ लड़की को उठा कर लाओ। लुखे, जब तक मैं क्रीज पर हूं आने वाली हर बाउंसर को बाउंस करके बाउंड्री के बाहर भेज दूंगा। मारने की कोशिश की। चंदू बापजी की बहन है। ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है, जो उस पे हाथ उठाएगा मैं उसे दुनिया से उठा दूंगा। आ, 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 आ,